असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स यू हैव रिक्वेस्टेड अस दैट वी शुड हैव फ्री पैटर्न वी शुड यूज़ द फ्री पैटर्न एज़ वेल सो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह ग्राफ भी बना सकते हैं और ड्राइंग बना के आप इस तरह का इस तरह का आपके घर में जो बच्चे हैं जिसके आप कपड़े बनाती हैं उसका एक नाप आप बना के अपने पास रख लें दिस इज़ अ हार्ड चार्ट एंड आई जस्ट ड्रॉ अ शेप ऑफ फ्रॉक ऑन दिस एंड लेट मी टेल यू अबाउट द मेजरमेंट ऑफ दिस थिंग्स सो so, आपके लिए इजी होगा कि आप जब भी अपने बच्ची की फ्रॉक बनाएंगी तो आपको ये नाप जो है वो रखना पड़ेगा ये बना के अपने पास रख लें इट्स अ फ्री पैटर्न और आ, इस तरह जो है इसी लेंथ और विड्थ वगैरह के मुताबिक आप साल तक चला सकती हैं फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अब बात करते हैं शोल्डर की लेंथ की द शोल्डर्स मेजरमेंट फॉर एटलीस्ट टू टू थ्री ईयर्स ओल्ड गर्ल इज़ अबाउट टेन इंचज़ ठीक है टोटल इसका टेन इंचज़ है जिसमें ये थ्री इंचज़ है ये भी थ्री इंचज़ है ठीक है जो बीच में गला आता है वो आपके पास आ जाता है फोर इंचेस तो तकरीबन टोटल करके ये आपके पास आ जाएगा टेन इंचेस ठीक है मेन जो इसकी चीज़ होती है वो शोल्डर्स ही होते हैं अब आपके शोल्डर्स हो गए अब हम आ जाते हैं अपने स्लीव्स पे ये देखें स्लीव्स जो मैंने काटी हैं तकरीबन नाइन इंचेस इसकी लेंथ आ जाती है ठीक है तो टू टू थ्री इयर्स की बच्ची की मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ टेलिंग यू अबाउट द टू टू थ्री ईयर्स ओल्ड किड द मेजरमेंट ऑफ द स्लीव शुड बी अबाउट नाइन इंचज़ ठीक है ये नाइन इंचेज़ होना चाहिए अब तीसरी चीज़ क्या होती है ये होती है चेस्ट आपकी ठीक है ये आपकी फ़िटिंग होती है तो इसको भी आप मेजर कर लें तकरीबन ये होती है फ़िफ्टीन टू से थ्री दो से तीन साल की बच्ची के लिए आपको तकरीबन फिफ्टीन इंचज़ की लेंथ चाहिए होगी तो आज मैं आपको ये क्लियर कट इसलिए बता रही था कि आप फ्रॉक्स देखते हैं तो आपको पता हो कि हमने कितनी उसमें बनानी है अब ये ड्रॉइंग बनाना इसलिए ईजी होगा आपके लिए कि Uh, आगे आप जो फ्रॉक्स बनाएंगे तो उसी इसी के नाप से बनाइएगा लेंथ की बात करें तो ट्वेंटी फाइव इंचिज़ लेंथ है नॉर्मल फ़्रॉक की आप चाहे तो लंबी फ़्रॉक बनाएं चाहे तो छोटी फ्रॉक बनाएं इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो ये आपकी आ जाती है तकरीबन एक सिंपल फ्री पैटर्न हम आपको बना के दे रहे हैं कि ये हो गई टेन गला हो गया फोर शोल्डर जो साइड में थ्री थ्री हो गए ठीक है स्लीव्स हो गए नाइन इंचेस एंड द टोटल लेंथ ऑफ द फ़्रॉक शुड बी एटलीस्ट ट्वेंटी फ़ाइव इंचिज़ और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना रखते हैं अब हम आ जाते हैं अपनी फ्रॉक की तरफ जो आज हम बनाने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं ओके okay फ्रेंड्स अब ये मेरे पास सिल्क का कपड़ा है ठीक है ये मैंने ऊपर बॉडी बनानी है और नीचे मैंने फ्रॉक बनानी है मुझे सिल्क दो कलर्स में चाहिए वन कलर जो है मैंने ग्रीन लिया है और इसके साथ मैंने स्किन कलर लिया है बहुत ही प्यारी सी मैं आपको आज एक फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूँ स्पेशली आपको पता है बर्थडेज़ वगैरह पे जो है वो लोग थीम फॉलो करते हैं तो ये ट्री थी थीम है ठीक है आइसक्रीम थीम भी कह सकते हैं आप इसको तो इस तरह की एक बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक मैं बना रही हूँ अब देखें ये जो कपड़ा है इसकी लेंथ ट्वेंटी फाइव है जैसे कि मैंने आपको पैटर्न में बता दी थी और इसकी जो ये बीच में जो चेस्ट का एरिया ये 15 है ये तकरीबन फ़िफ्टीन है ठीक है टू पीस मैंने ले ली है आई टुक टू पीसेज एंड नाउ आई एम गोइंग टू फोल्ड इट लाइक दिस द लेंथ एंड द विथ इज़ लाइक ट्वेंटी फाइव एंड एटीन सॉरी फिफ्टीन इस तरह फोल्ड करके रख लें ठीक है अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो पैटर्न बनाया होगा जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा कटिंग वगैरह करना सो आप ऐसे रख के ठीक है देखिए ऊपर से मैं क्यों छोड़ रही हूँ थोड़ा सा कपड़ा इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमने उसमें स्टिचिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा जो है वो छोड़ना पड़ता है अब ये हो गया हमारे पास ड्रॉ कर लें ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारा आ जाएगा नीचे हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये जाली का कपड़ा है सॉरी और है और जाली भी यूज़ कर सकते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं ये रख के हमने इसको काट लेना है ठीक है थोड़ा थोड़ा आप एक दो इंचेस छोड़ दीजिएगा स्टिचिंग के लिए अब फ्रेंड्स ये मैं इसको कट कर लेती हूँ जिस तरह के मैंने मेजरमेंट्स uh, देखी थी तो एक्जैक्टली exactly उसी तरह मैं इसको काट लूँगी आराम से गला काट लें स्लीव्स काट लें और नीचे जो इसकी जो हम घेरा बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसे डेकोरेट कैसे करना है उसे जाना कैसे है और उसको आपने किस तरह बनाना है इस तरह फ्रेंड्स वो कट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास जो नीचे वाला इसका हिस्सा पड़ा हुआ है ये कपड़ा मैं ले लूँगी और ये घेरा है ठीक है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन हमारे पास ट्वेंटी एट है ठीक है और इसकी जो वेट्थ है वो हमारे पास एटीन है ट्वेंटी एट बाई एटीन ये इसके दो पीस हैं ठीक है थीके? कपड़ा दो है और ये हम घेरा बनाएंगे ये आप रेडी करके रख लें कमीज़ भी कट करके रख लें अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसके ऊपर कैसे बनाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए आपको चाहिए सिल्क नाउ फ्रेंड्स ये सिल्क है ठीक है टेन बाई टेन का स्क्वायर एक सर्कल मैंने ले लिया है और ये आपको तकरीबन थर्टी बनाने हैं ठीक है इसके आप थर्टी तैयार कर लें सिल्क के कपड़े के और ट्वेंटी एट थर्टी हमें यूज करने पड़ेंगे और इसकी जो लेंथ एंड वेट अबाउट टेन एंड टेन सो मैं रेडी कर लूँगी थर्टी सर्कल्स रेडी करके आपने इसको फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना कैसे फ़ोल्ड किए हैं पहले मैंने उसे बंद किया है जिस तरह के हमारा फ्लावर वाला दुबट्टा आपने देखा होगा बिल्कुल उसी तरह का ये भी है और उसी तरह का ये हम बना रहे हैं ठीक है सिंपल आपने एक दफ़ा फ़ोल्ड किया जिस तरह हम बिल्कुल एक चीज़ को फ़ोल्ड कर देते हैं ये देखें इस तरह और इसके बाद आपने इसको किस तरह फोल्ड करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ मैं इसलिए आपको दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जा कि आपने इसको बनाना है कैसे है ठीक है इसको आपने एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है अब मैं दो तीन बना के दिखा दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जा जा और ये धागा आपने तोड़ना नहीं है बल्कि इन सबको हम एक ही आ, इसकी हम एक लड़ी बना लेंगे ठीक है तकरीबन हमें पाँच से छः लड़ियाँ हमें बनानी हैं जितनी लंबी आप फ़्रॉक रखेंगी उतनी लड़ियाँ आपको चाहिए होंगी तो ये मैं तकरीबन छः लड़ियाँ बना लूँगी फ्रेंड्स नाउ यू कैन सी कि मैंने छः बना लिए हैं सिक्स मैंने इसकी लड़ियाँ बना ली हैं और हर पीस में तकरीबन छः से सात जो है वो आ, वो लगे हुए हैं बीच में ये जो आपने डिज़ाइंस बनाए ये हुए हैं ठीक है थीके? अब हम आ जाते हैं अपने ऊपर वाले पोर्शन पे आपने सिंपल ये करना है कि सबसे पहले तो आपने इसके स्लीव्स को और इनको आपने अच्छे से आ, पाइपिंग कर लेनी है स्टिच कर लेना है ताकि फिर हम इसको रेडी करें और इसके नीचे वाला जो घेरा है वो लगाएं ठीक है तो अब आप गौर से देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाएँ ये मैंने इसके स्लीव्स को आ, साथ में जोड़ दिए गला भी मैं इस तरह बना लूँगी फ्रेंड्स hey आपका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ ये देखें आप ये रेडी हो गया है दूसरा पोर्शन भी मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है ठीक है दोनों की पाइपिंग हो गई दोनों की सिलाई हो गई अब ये देखें जो नीचे वाला बॉडी पार्ट था जो नीचे वाला घेरा था उसको आप देखें मैंने इस तरह स्टिच कर लिया नीचे से देखें आप आ, पाइपिंग कर ली है मैंने बॉर्डर पे और यहाँ ऊपर मैं आ, मोटी वाली सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं उसके अंदर चिनट डालूंगी ये फ्रेंड्स रेडी हो गया है अब जो आपने लड़ियाँ बनाई थी वो आपने इसके ऊपर लगानी होंगी ठीक है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपने इसको इस तरह से रख के और आपने इसको स्टिच कर लेना है और उसके बाद आपने जितनी भी आपने और बनाई हैं वो भी हम इसी तरह इसके साथ स्टिच करते जाएंगे बहुत ही आराम से डेलिकेट तरीके से आपने इसको स्टिचिंग करनी होगी ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले और बहुत अच्छे से स्टिच हो जाए फ्रेंड्स आपने देखा कि ये मैंने ऊपर वाला स्टिच कर लिया है ठीक है अब आप दूसरी किस तरह स्टिच करेंगे वो मैं आपको बहुत ही तरीके से बताऊंगी कि उसका भी एक ख़ास तरीक़ा है कि आपने नीचे वाली स्टिच कैसे करनी है आपने करना ये कि इसको इसके नीचे रखना है ताकि ऊपर जो सिलाई हुई हुई है इस लड़ी के ऊपर जो स्टिचिंग हुई हुई है वो नज़र नहीं आएगी ठीक है बेशक पिन लगा के रख लें या इसको इस तरह से करें कि पहले इसको सेट कर लें और उसके बाद इसकी स्टिचिंग करें इस तरह आपने इसको नीचे स्टिच कर लेना है ताकि ये बिल्कुल एक ग्रेप्स की फॉर्म आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि ग्रेप्स जो है वो लटके हुए हैं तो इस तरह मैं ये सारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्टिच कर लूँगी मैंने तकरीबन छः बनाए हैं तो जितने इस पर आ जाएंगे तो वह इस पर लगा लूँगी ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है इसी तरह आपने बैग भी रेडी करनी है अब जो ऊपर वाला पोर्शन है हम इसको इसके साथ स्टिच करेंगे दोनों को आपस में आपने इस तरह जोड़ देना ये देखें जो रह जाएंगी उनको आपने किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखा दूं ताकि जो है वो स्टिचिंग जितनी ज़्यादा नीट होगी उतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी तो इस तरह से आपने इसको इसके साथ स्टिच कर लेना है नाउ फ्रेंड्स अब आप दोनों साइडें मैंने साथ में जोड़ दी हैं ठीक है नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों कठी रखी हैं सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे और फिर साइड से हम इनकी स्टिचिंग कर लेंगे exactly वैसे ही जैसे कि हर फ्रॉक में मैं आपको दिखाती हूँ आप ऑलरेडी बहुत सी फ्रॉक्स में सीख चुके होंगे कि आपने पहले शोल्डर जोड़ने होते हैं और उसके बाद आप पूरी फ्रॉक जोड़ते हैं और नीचे भी आपको पाइपिंग करनी होती है बेस पर भी और स्लीवस को भी आपने फोल्ड करना होता है तो ये दोनों पीसेस को मैंने जोड़ के और मैंने स्टिचिंग कर ली इनके शोल्डर्स की अब मैं इनको आपस में जोड़ दूँगी आप चाहे तो आप दोनों साइडों पे ये चीज़ लगा सकते हैं ठीक है ये जो मैंने चोटी -चोटी ये छोटी छोटी लड़ियाँ बनाई हैं या बैक साइड पे भी लगा सकते हैं फ्रंट पे भी लगा सकते हैं अगर नहीं लगाना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है ये हो गई है फ्रेंड्स हमारी रेडी ठीक है मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई आप चाहे तो बहुत लॉन्ग भी बना सकते हैं अब फ्रेंड्स एक और बहुत ही क्यूट सा एक आइडिया ये है कि ये मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल लीव्स पड़े हुए हैं तो मैं इन लीव्स को इसके ऊपर लगा के एक ट्री की लुक देना चाह रही थी तो ये अब ग्लू गन से ये जो आर्टिफिशियल लीव्स हैं दीज आर द आर्टिफिशियल लीव यू कैन uh, stick it with a glue gun as you can see it will look like a, a jungle theme you can also uh, make a, 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 tree like uh, you can also use uh, artificial flowers of green color of pink color any color you want to ye main is tarah iske upar lagati chali jaungi और ये बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही यूनिक लगेगा यूनिक चीज़ें बनाया करें ताकि जो है बच्चे भी खुश हों और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़े तो ये एक आइडिया था मेरे पास तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ इसी तरह फ्रेंड्स आपने यहाँ लीव्स लगाए हैं तो इसको एक लुक मिल गई आप देख सकते हैं इसी तरह मैं इसके ऊपर बेस पे भी जो है वो लीव लगा दूँगी आप इसी तरह फ्लावर शेप भी दे सकते हैं लीव्स के बजाय यू कैन ऑल्सो यूज़ द आर्टिफिशल फ़्लावर्स आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में काफ़ी काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी फ्रॉक्स के बारे में जैसे मैंने आपको फ्री पैटर्न भी बता दिया है कि आपने किस तरह बनाना है फिर आप वो जितनी भी फ्रॉक्स आगे बनाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि आप उसको नाप को अपने पास रखें और उसी के मुताबिक जो है वो आप बनाया करें तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छी लगी होगी अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है फ़्रॉक अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर और कोई सजेशन है अब हम जो वीडियोज़ बनाना चाह बना रहे हैं उसमें हम पूरी डिटेल में आपको हर चीज़ दिखाया करेंगे समझाया करेंगे मेजरमेंट और एवरी थिंग uh, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो खुदाफे